नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ग्राउंड नट की फसल पर, यानी मूंगफली की फसल पर जो सबसे खतरनाक बीमारी लगता है, जो कि टिक्का डिजीज नाम पे हम लोग जानते हैं, जिसको लिप स्पॉट भी बोलते हैं और हिंदी में इसको पर्ण पत्ती रोग भी कहा जाता है। तो ये बीमारी क्या है और इसको कैसे पहचाना जाता है, उसके अलावा इस रोग का प्रकोप मूँगफली फसल पर कैसे आता है और कब आता है, टिक्का डिजीज अटैक होने पर मूंगफली की फसल पर क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, उसके अलावा इसको हम लोग फसल में कैसे लगने ना दें और अगर लग गया तो कैसे इसको हम लोग कंट्रोल करें, तो पूरी जानकारी डिटेल्स में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टिक्का डिजीज यानी लिप स्पॉट बीमारी क्या है और इसको कैसे पहचाना जाता है। तो ये एक फंगल जनित बीमारी है जो कि सार्कोस्पोरा नामक फंगस से आता है और ये मूंगफली के फसल पर सबसे ज़्यादा अटैक होने पर देखने को मिलता है और ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है मूंगफली की फसल पर ये अगर लग जाता है तो। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे पहचाना जाता है। तो इसमें पत्तियों पर हल्के भूरे रंग का धब्बे बनता है और पत्तियों के नीचे की तरफ पीले घेरे बन जाता है, जिससे हम लोग पहचान जाते हैं कि मूंगफली की फसल में टिक्का डिजीज का अटैक हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इस रोगों का प्रकोप मूंगफली पर कब आता है। तो दोस्तों, ये मूंगफली की फसल पर लगभग 40 से 45 दिन जब हो जाता है तो उसी टाइम पर ज़्यादा अटैक होने देखने को मिलता है। कभी कभी शुरुआत में भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही फसल 40 से 45 दिन हो जाता है तभी ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब बात आती है कि इसको फसल में हम लोग कैसे लगने ना दें। तो सबसे पहले बीजों को उपचार करके लगाना है। इसके लिए सबसे पहला काम जो करना है, आप लोगों को 2 ग्राम कार्बन डाइजाइन प्लस मेनकोजेब को लेना है और 1 kg ग्राउंड नट के बीजों को लेना है और आप लोगों को बीज को उपचार करके ही लगाना चाहिए। उसके अलावा 3 kg ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टर के हिसाब से 100 kg गोबर की खाद में मिलाकर बुआई के समय दे देना चाहिए और ये अगर काम करते हैं दोनों तो आप लोगों को ये बीमारी देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा जैसे कि और एक काम है, जैसे फसल आप लोग लगा लिया, बुआई कर लिया, तो उसके बाद जैसे 10 से 15 दिन हो जाता है तो उस टाइम पर मेटालेक्सी और मेलकोजेब का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि सिंजेंटा का रिडोमिल गोल्ड आता है, टाटा कंपनी का मास्टर नाम पे आता है, तो उसको 1 ग्राम पर लीटर की पानी में मिलाकर घोल बनाकर अगर छिड़काव कर देते हैं तो भी ये बीमारी देखने को नहीं मिलता है। और उसके अलावा फिर भी अगर ये बीमारी का अटैक हो चुका है आप लोगों का फसल में तो आप लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोगों को जो करना है, सिंजेंटा कंपनी का स्कोर फंगिसाइड को लेना है और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को लेना है और दोनों को मिक्स करके आप लोगों को स्प्रे कर देना है और अगर ये करते हैं तो आप लोगों का टिक्का बीमारी कंट्रोल हो जाता है। उसके अलावा और एक दवा मिलता है जो कि बायर कंपनी का फोलिक्यूर फंगिसाइड नाम पे आता है, उसको भी अगर 1 ml/L के हिसाब से अगर छिड़काव कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा टिक्का डिजीज के लिए। तो ये था टिक्का डिजीज यानी लिप स्पॉट या फिर पर्ण पत्ती रोग जो भी बोलते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।